नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। दोस्तों, कहा जाता है कि प्यार के बिना मनुष्य का जीवन अधूरा ही होता है। किसी को अपना पहला प्यार बड़ी आसानी से मिल जाता है तो किसी को हजारों प्रयत्नों के बाद भी नहीं मिल पाता। तो कोई एक तरफा प्यार के कारण घुट घुट के अंदर ही अंदर तड़पता है, तो कुछ लोग जीवन भर पहले प्यार के न मिल पाने के कारण उनकी यादों के सहारे दिन काटते हैं। अगर आप अपने प्यार को हमेशा के लिए पाना चाहते हैं तो गुरुवार ये बहुत ही आसान एक उपाय जरूर कर लें। अब देखेंगे कि आपका प्यार कितना ही दूर क्यों ना हो, वो कुछ ही दिनों में आपके पास दौड़कर चला आएगा। इस दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, अगर हमारा प्यार हमारे साथ है तो हम जिंदगी की कोई भी मुश्किल आसानी से जीत सकते हैं। तो दोस्तों, इसलिए अगर आप अपने प्यार को अपने पास रखना चाहते हैं तो आज बताए गए इस उपाय को जरूर करिएगा। दोस्तों, आज का जो उपाय है वो बहुत सरल सामग्री के साथ है। हमारे घर में ही इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, हमारे रसोई के सामान से ही होगा प्रचंड वशीकरण। और क्या सामग्री की आवश्यकता है, आइए बताती हूँ। हमें चाहिए 11 साबुत चावल के दाने, शहद और एक बर्तन में कच्चा दूध। बस इतनी ही सामग्री से आप किसी को वश में कर सकते हैं। चावल, दूध और शहद तीनों ही अपने आप में बहुत शक्तिशाली हैं, और जब ये साथ हों तो इनकी ताकत और भी प्रबल हो जाती है। इनसे किया गया वशीकरण कितना प्रबल होगा? जी हाँ, ये वशीकरण बहुत ही प्रचंड वशीकरण है। अगर आप सही तरीके से इस वशीकरण को करते हैं तो ये वशीकरण कुछ ही मिनटों में अपना असर दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका प्यार आपसे कभी दूर ना जाए, वो इंसान जिसे आप खुद से भी ज़्यादा चाहते हैं वो हमेशा आपका ही होकर रहे, तो इस प्रचंड वशीकरण की विधि को ज़रूर अपनाएं, क्योंकि यही एकमात्र ऐसा उपाय है जिसके जरिए आपका प्यार आपको वापस मिल सकता है, आपके पास रुक सकता है। और दोस्तों, एक खास बात ये भी है कि इसमें इस विधि को महिला या पुरुष कोई भी कर सकता है। ऐसी विधि नहीं है कि किसी से सिर्फ महिला ही करनी है या सिर्फ पुरुष को ही करना है, कोई भी व्यक्ति इस विधि को आसानी से कर सकता है। अब मैं आपको बताती हूँ कि आपको करना क्या है। आपको वीरवार के दिन सुबह स्नान करके एक कटोरी में 11 साबुत चावल के दाने लेने हैं, और एक बर्तन में थोड़ा सा कच्चा दूध लेना है और थोड़ा सा शहद लेना है। अब आपको एक एक चावल का दाना उठाना है और उस पर थोड़ा शहद लगाकर एक मंत्र का जाप करना है 15 बार, अपने प्यार का नाम लेना है और दूध में डाल देना है। ऐसा ही आपको 11 चावल के दानों के साथ करना है। फिर उस दूध और चावल के पतीले को आपको कुछ समय के लिए अपने पास रखना है और फिर ले जाकर किसी पेड़ के नीचे दबा देना है। और जैसे ही आप इस कार्य को पूरा करेंगे, आप देखेंगे कि आपका प्यार आपके लिए पागल हो रहा है। वो आपके बिना रहना ही नहीं चाहता, हमेशा आपके ही पास रहना चाहता है और आपसे मिलने के बहाने ढूंढ रहा है। तो अगर आप भी चाहते हैं कि ऐसा हो तो आप जिससे प्यार करते हैं, आपको इस विधि को अपनाना है सही तरीके से। और एक बात खास तौर पर ध्यान रखना है दोस्तों, ये बहुत ही प्रचंड विधि है। इसकी जो वस्तु है, जो सामग्री है, जितनी सरल है उतनी ही अपने आप में बहुत प्रचंड है। इसलिए खास तौर पर ध्यान रहे कि किसी भी गलत मंशा से आप इस विधि का प्रयोग ना करें। और सबकी राशि और ग्रह के हिसाब से अलग अलग मंत्र होते हैं। आप अपने हिसाब के मंत्र को पाना चाहते हैं तो गुरु जी को फ़ोन करें और गुरु जी से वो मंत्र प्राप्त करें। और अगर आपकी और भी कोई समस्या है जिसे आप खत्म करना चाहते हैं तो आप गुरु जी से बात कर सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भी समस्या नहीं है जिसका समाधान गुरु जी के पास ना हो। तो गुरु जी से बात कीजिए और अपनी हर समस्या का समाधान लीजिए। जय माता दी।